हम यूसुफ साहब और मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो इस हवाले से बात करें सर आप अपनी शिस्त पे बात कर सकते बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चेयरमैन साहब मेरी बेटियां और बहनें बेटे और भाई आप सबको सलाम अलैकुम मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मेरी पैदाइश 1932 की है और मेरा ख्याल है कि मुझसे ज़्यादा उम्र कोई आपको और शख्स शायद नहीं होगा अगर हो तो माफ़ी चाहता हूँ मुझे इस मीटिंग के बारे में किसी किस्म का इल्म नहीं था और आज जब अखबार पढ़ी तो पता चला कि इस किस्म की मीटिंग हो रही है और बड़ा दिल खुश हुआ कि मैं यहाँ हाज़िर हूँ मामूली सी अपने बारे में बता दूँ और अब इनको मैं शुरू करते हैं मैं नवशहर एबटाबाद में पैदा हुआ 1932 में एबटाबाद सारी नवशहर एबटाबाद में सारी तालीम हासिल की थी उस बाद फिर मैं इंजीनियरिंग में चला गया तो लाहौर तो इंजीनियरिंग करके उस बाद दो साल में ऑस्ट्रेलिया हायर एजुकेशन दी इंजीनियरिंग की थी उस बाद फिर मैं गवर्नमेंट की नौकरी में चिरे और रिटायरमेंट जी की थी वो डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम दो और मैं ये आखना चाहना कि गवर्नमेंट की नौकरी में बंदे तकरीर करने की मौका नहीं मिलता टेक्निकल गल जी होंगी वो हदायत पास करनी होंगे बाकी गल करनी दी या तकरीर दी सियासी या मजहबी या और किस्म की कोई तकरीर करने का मौका नहीं मिलता सो इस वास्ते अगर मैं कोई गलत गल कर दूँ या गलती हो तो माफ़ी चाहना तो अपने पेशे के लिहाज नाल मैं दो साल ऑस्ट्रेलिया साल रशिया त्रै साल ईरान दो साल इंग्लैंड ये सारे गुजारे तो उस तो बाद पिछले 25 साल तो कैनेडा में इमीग्रेशन डिपार्टमेंट में ये तो मेरी इंट्रोडक्शन हो गई मैं देख के नहायत मेरे दिल में खुशी हुई है कि सारे मुल्क में हूँ ये आइडिया उजागर हो रहे हैं कि हिंदुओं बोलने वाले वास्ते भी कुछ न कुछ करना चाहिए तुम हैरान हो गए कि दुनिया के बीच सब तो ज़्यादा बोली बोलने वाली जी जबान है वो है चाइना चाइनीज जबान है दूसरे नंबर के उत्ते अंग्रेजी है तीसरे नंबर के उत्ते अरबी चौथे नंबर के उत्ते उर्दू पंजवें के उत्ते इस्पानवी छेवें नंबर के उत्ते फ्रेंच आती है और तुसी फ्रेंच वाले देखो कि उन्होंने अपनी जुबान इतना ऊंचा किया है कि जिहड़ी ओलंपिक्स शुरू होंदी हैं वो फ्रेंच में शुरू होंदी हैं तो इस वास्ते मेरा दिल इस वास्ते भी ज़्यादा खुश होया कि कम अज़ कम साड़ी जुबान जिहड़ी अपने सूबे में और कुछ पंजाब के बीच भी असर अबदाल और टैक्सला इन्होंने इलाके में छठी दर्जा रखती सो मेरे वास्ते एक बहुत बड़ा फखर का मुकाम है